नमस्कार, आदमपुर का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। चुनावी बयार है, त्योहारों के बीच में हरियाणा में चुनाव आए हैं। आदमपुर उपचुनाव बड़ा दिलचस्प दिखाई दे रहा है क्योंकि चार पार्टियां मैदान में हैं और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं क्योंकि एक और बिश्नोई परिवार है जिसको अपना किला बचाना है। कांग्रेस की कोशिश है कि सीट उसके पास रह जाए। आम आदमी पार्टी अपने प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर इंडियन नेशनल लोकदल है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। आम आदमी पार्टी कह रही है मुकाबला उसके और बीजेपी के बीच है। तरह तरह की बातें हैं, तो समझना ये होगा कि मुकाबला आखिर किसके बीच है, दो पार्टियों के बीच है या सभी पार्टियां पूरी टक्कर दे रही हैं। आदमपुर में चुनावी मेला, दल बदलुओं का खेला, मैदान में उतरे हमदान, कौन आएगा किसके कर, उपचुनाव है तनाव ही तनाव है। उपचुनाव हमेशा ही राजनीतिक दलों के लिए आईना होता है कि वो विधानसभा के लिए कितने तैयार हैं और कितनी तैयारी की जरूरत है। हरियाणा की 2024 की राजनीतिक फिल्म का ट्रेलर अब की बार आदमपुर से लॉन्च हो रहा है, इसलिए अब की बार आदमपुर 2024 के लिए सियासत का एपिसेंटर बन रहा है, जिसे जीतने के लिए बीजेपी भव्य तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस अपना किला बचाने के लिए जी जान से जुटी है। कांग्रेस पार्टी जीतेगी, हमारा उम्मीदवार जीतेगा, मजबूत है हमारा। सरकार है उसके लिए सेटबैक होगा, सरकार तो पहले हो लिया, दो सेटबैक बड़ौदा में हो लिया, इलाहाबाद में हो लिया, तीसरा सेटबैक हो जाएगा। जो है आदमपुर का कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस ज्यादा बार जीती है और अब लोग मन बना चुके हैं क्योंकि मौजूदा सरकार से जो बीजेपी जेजेपी सरकार है उससे हर वर्ग विमुख हो चुका है। उधर कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने आदमपुर चुनाव को लेकर बीजेपी पर चुटकी ली। आगे आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि राहुल जी की मेहनत, खड़गे जी का अनुभव और बाकी सभी साथियों का सहयोग, सोनिया जी का मार्गदर्शन, सभी लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही बनकर कांग्रेस को आगे लेकर जाएंगे। और आने वाले समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की जो कार्यशैली है, कार्य प्रणाली है, पूरा देश उससे उग चुका है। वार पलटवार के दौर के बीच बीजेपी नेता भी विकास के नाम पर हुंकार भर रहे हैं और आदमपुर का गढ़ जीतने का दावा कर रहे हैं। जयप्रकाश, उस वक्त चुनाव ऐसा था कि भाई ड्रामेबाज उठा तो सही, जो मैं अराजिका पार्टी थी, मैं स्टेट में घूमता रहा, आदमपुर आया नहीं, मैदान खाली था, झूठ झूठ जा गया। इस बार देखना कितनी बुरी हार। आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच भले ही सीधा मुकाबला हो, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी बेला में खेला करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि हमदाम उम्मीदवार मैदान में ताल ठोक रहे हैं ताकि बड़े उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ा जा सके। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा हमारे साथ हैं कांग्रेस से, उदयवीर राणा इंडियन नेशनल लोकदल से, मनवीर छिल्लर हैं आम आदमी पार्टी से और बीजेपी प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढींगरा साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, मतलब इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी को वो रेस से बिल्कुल बाहर मान रहे हैं, ऐसा है क्या? बीजेपी भी जो है वो बड़ी डाउन पोजीशन पे है। जिस तरीके से बीजेपी का जो हाल रहा, जिस तरीके से बीजेपी ने 8 साल के अंदर महंगाई बढ़ाई, जिस तरीके से बीजेपी ने 8 साल के अंदर नौकरियों का एक विवाद पैदा कर दिया कि 37% जो है वो जॉबलेस हो गए लोग और उनको नौकरी नहीं मिल पा रही, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी, नौकरियों की मार पड़ी और बिजनेसमैन पे जीएसटी की मार पड़ी, इस तरीके से बीजेपी अब बिल्कुल डाउनवर्ड पे है। लेकिन फिर भी जो अब मुकाबला होगा वो बीजेपी के साथ इसलिए होगा क्योंकि हमारा आदमी धरपकड़ योजना के तहत उधर लेके गए, जिसके बच्चे को अब टिकट दी गई है और उसकी भी जमानत जब्त हो सकती है,
ऐसी हालात हो गई बीजेपी की भी। नहीं, अगर वहां भी जमानत जब्त हो जाएगी तो फिर मुकाबले में कौन है? जैसे हुड्डा साहब कह रहे हैं भाई सिर्फ सीधा मुकाबला बीजेपी से है, बाकी दो पार्टियों काउंट नहीं कर रहे। मुकाबला तो जो सेकंड नंबर पे आएगा, और वो सेकंड नंबर पे हमें बीजेपी लग रही है जिसकी जमानत जब्त होगी। कांग्रेस की सीट आएगी, और कांग्रेस की सीट तीसरी आएगी, क्योंकि आप पहले ये देखे जो उपचुनाव हुए दो, उसमें पहले कांग्रेस जीती और दूसरे में INLD जीती। INLD अभय चौटाला जी अपनी सीट छोड़े थे और अपनी सीट बचा पाए, और जो यहाँ पे होगा, यहाँ हमारी सीट थी और हमारी सीट ही दोबारा रिटेन होगी, और इसलिए कि यहाँ पे हम जीतेंगे। ठीक है, मैं एक बार इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता के पास चलता हूँ। उदयवीर राणा जी, वो भाई बता रहे हैं कांग्रेस जीत रही है नंबर दो पर, बीजेपी है, यानी आपको रेस में नहीं गिनते। देखिए गोयल जी, मैं आपके माध्यम से आपकी पूरी हरियाणा की पूरी जनता को बता देना चाहूंगा, आज कांग्रेस अपनी कैंडिडेट है, वो इस कैंडिडेट की पांचवी पार्टी है और वो भगौड़ा कैंडिडेट है। जेपी जो पिछले 2009 में भी यहाँ से चुनाव लड़ चुका है, 2009 में यहाँ से चुनाव लड़ा और उसने बहुत ही जनता के साथ झूठे और लुभावने वादे करे। कहीं व्यक्तियों के इन्होंने बिल्स क्लियर नहीं करी, पेमेंट क्लियर नहीं करी, वो सब लोग अब खुल के सामने आने लगे हैं। वो ये इलेक्शन है और वो कह रहे थे वो अपनी वोट की चोट से कांग्रेस का जवाब देंगे। दूसरी बात, आप ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर मुकाबला हमेशा बिश्नोई परिवार और INLD के बीच ही रहा है। अगर आप आंकड़े भी उठा के देखोगे 2000 से लेके और अब तक के जितने आंकड़े हैं, आप उसके दूसरे नंबर कैंडिडेट INLD का ही मिलेगा, या जिसे सम्मानजनक वोट मिली हुई है वो एक INLD कैंडिडेट है। आप यहाँ पे अगर बीजेपी या ये डबल इंजन की सरकार कहने वाले और वो सब लोग ये कहें कि भाई ये जो है वो बीजेपी के विकास के उससे चुनाव हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक कैंडिडेट के ऊपर चुनाव है, ये कैंडिडेट एक या तो INLD के पास है या फिर वो एक बिश्नोई परिवार है कैंडिडेट। ठीक है, INLD का कैंडिडेट है कोदा राम जी नंबर 7, वो बाल समझ गाँव से आते हैं। बाल समझ एक बहुत बड़ा गाँव है, 8 गाँव की पंचायत हुई, उस पंचायत में कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ। वो कहते थे कि हमें जो कैंडिडेट चाहिए वो हमारे बीच का होना चाहिए, कोई बाहरी विदेशी कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। जैसे बिश्नोई है, अगर आप चेक करोगे तो पिछले साल 150 दिन विदेश में रहे हैं, और अब की मैंने चेक नहीं कर पाया कि कितने साल विदेश में रहे, तो लोगों का हम मेन मुद्दा जो हमारा कैंडिडेट। ठीक है उदयवीर जी, मैं दूसरे राउंड में आपके पास आता हूं, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई सर, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। विधू रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं। भाई विधू रावल साहब, अभी आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा बता रहे हैं कि मुकाबला सीधा बीजेपी से है, मतलब बाकी दो पार्टी को काउंट नहीं कर रहे, और ढींगरा साहब कह रहे हैं कि बीजेपी नंबर दो पर रहेगी। देखिए, आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार वरुण जी। जी, स्पष्ट स्थिति है, हमारे जो प्रबुद्ध पैनलिस्ट कह रहे हैं ये भी अपने मन में जानते हैं। ग्राउंड जीरो से जो आपके संवाददाता आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, आपके तक भी ठीक रिपोर्ट्स आ रही होंगी। यहाँ पर एक नंबर का तो मुकाबला है ही नहीं, यहाँ तो ये सब जो हमारे विपक्षी लोग हैं दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन दूसरे पर आएगा। लेकिन दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ते लड़ते ये एक चीज चूक रहे हैं। अब से थोड़े दिनों पहले तक केवल जमानत की बात थी, अब जैसे जमानत का पैसा इधर उधर से इन्होंने इकट्ठा करके अपना नॉमिनेशन भर दिया, लेकिन अब क्योंकि पैसा इधर उधर से, अब ये दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको सबको, इनमें से किसी से पूछ लीजिए, सब बताएंगे कि हमारा मुकाबला भाजपा के उम्मीदवार से है। ठीक है, फिर एक दूसरे की कमी बताएंगे, लेकिन असल में ग्राउंड रियलिटी ये है कि इनमें से कोई भी पिक्चर में ही नहीं है। इन सब के सब जो है वहां पर जमानत भी नहीं बचा पाएंगे, और कदर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जमानत का पैसा भी इधर उधर से पकड़ा हुआ है। पार्टियों ने कहकर कि भाई तुम्हारी जमानत का पैसा हम भर देंगे, ये कहकर उम्मीदवार उतार रखे हैं। केवल स्थिति ये है, खुली खुली स्थिति ये है, ये लोग ना तो डेवलपमेंट की वहां कोई बात कर रहे ना बात, ये तो केवल और केवल नेगेटिव वोट मांग रहे हैं। और मैं आज आपके सामने जो है, मैं पहले चैलेंज दे रहा था इन लोगों को कि इनके बड़े नेता, शीर्ष नेता भव्य बिश्नोई जी के सामने आकर चुनाव लड़े, नहीं माना मेरा चैलेंज। आज एक और चैलेंज देता हूं, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर आदमपुर की सीट हम अच्छे बड़े मार्जिन से, पिछली बार से भी बेहतर मार्जिन से जीत जाते हैं, तो कम से कम आज यहां बैठकर ये तो बोल दें कि अगर भाजपा जीत जाती है तो हम जो गलत फर्जी बात उठाते रहे हैं वो गलत है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जीत का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को असीम स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद जनता का प्राप्त है। हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी है, ये बात तो सुनिश्चित हो जाएगी ना अगर भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से जीत जाती है।
रिजल्ट 6 को आ जाएगा, चुनाव 2 को है, लेकिन कम से कम आज ही कुछ तो स्टेज पर रखें, इतने बड़े बड़े आसमानी दावे, और 6 तारीख को आप देखना नहीं वो झूठे साहब ने एक और बात की, उन्होंने 2 उपचुनाव का एक तरह से उदाहरण पेश किया कि पिछले 2 उपचुनाव में क्या हुआ, वो सबने देख लिया, तीसरा सेटबैक है ये। अब 2 उपचुनाव की बात क्यों करते हैं, वैसे बात तो 3 उपचुनाव की होनी चाहिए जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 से सत्ता में आई, जिनमें हम आज तक कभी नहीं जीते थे, हमने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, हम पहली बार जीते और उसी साल हम दूसरी बार फिर जीत गए। हम जहां बात करें बड़ौदा की, बड़ौदा में 2014 के चुनाव में जब हम पहली बार सत्ता में आए, हमें 2791 वोट मिला, केवल 6 साल के अंदर हमने 2791 से बढ़ाकर 50,000 अपना वोट कर लिया। चर्चा तो इस बात की है, चर्चा तो हमारे थोड़े से मार्जिन से हारने की है, इनकी तो सीट रही है परंपरागत, उसके बाद हम 50,000 ले गए। इलाहाबाद में एक आदमी छाती पर हाथ मार कर गया कि भाई मुझे सारे किसानों का समर्थन है, सारे आंदोलन जीवियों को उसने अपने प्रचार में लगाया, इसके बावजूद भी उसकी वोट क्या, उसका जो जीत का मार्जिन है वो जो 15,000 से एकमात्र सीट जीती थी इंडियन नेशनल लोकदल ने, देखें कितना बड़ा दुर्ग कितना बड़ा किला होगा कि 90 में से केवल एक सीट जीती और उसमें 15,000 के मार्जिन से जीती थी, लेकिन छाती पर हाथ मार कर गया, सभी आंदोलन जीवियों से प्रचार करवाया, भाजपा के विरुद्ध षड्यंत्र खड़े लठैत खड़े किए चार चार गांव के बाहर, उसके बावजूद भी जीत का मार्जिन आधे से कम रह गया, केवल 6,000 से जीत पाया। हमने तो हर जगह ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है और आदमपुर की जनता इस बार जितना प्रेम प्यार और आशीर्वाद दे रही है, वरुण जी आप देखना ये जो कड़ी है ना इतिहास रचने की, जो हम निरंतर 2014 से रचते रहे हैं, वो उस कड़ी में आदमपुर की जनता चार चांद लगाने वाली है। पहली बार आदमपुर में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है और एक प्रचंड जीत के साथ खिलने वाला है। इसलिए मैं आज इनको कह रहा हूं कि हम जब जीत जाएंगे तब आप क्या कहोगे, जो आप यहां पर मुद्दे गिनवा रहे हो इन मुद्दों को तब रेलेवेंस करेंगे, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं। नहीं नहीं हम भी कहीं नहीं जा रहे, आप भी कहीं नहीं जा रहे, 3 तारीख को भी 6 तारीख को बहानेबाजी ठीक है, उस दिन बहानेबाजी करेंगे ये लोग, अरे किसी को मौका नहीं देंगे बहानेबाजी का, आप जानते हैं। ठीक है मैं वापस लौटता हूँ। डॉक्टर मनवीर छिल्लर, हुड्डा साहब कह रहे हैं भाई मुकाबला बीजेपी से, आपको तो काउंट ही नहीं कर रहे वो, तो इसलिए काउंट नहीं करना चाहते क्योंकि हुड्डा साहब को पता है कि कांग्रेस की जगह आज आम आदमी पार्टी ने ले ली है और कांग्रेस आज धरातल पर नहीं है, जीरो हो गई है। इसके साथ ही मैं बीजेपी के प्रवक्ता साथी की ने कुछ बातें कही, उनमें उनका जो अहंकार है वो बड़ा झलक रहा है। उनके अहंकार में उन्होंने कहा कि बाकी सारे कैंडिडेट्स ने जमानत का पैसा इधर उधर से उधार लिया है, क्योंकि इनको पता है इन्होंने जनता का इतना बुरा हाल कर दिया कि जनता को कंगाल कर दिया इन्होंने और सारे पैसे पे ये खुद ही कुंडली मार के बैठ गए हैं। इसके साथ ही जो प्रवक्ता साथी ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई जी जो इसके साथ ही कुलदीप बिश्नोई जी जीतने का जो दावा कर रहे हैं उस दावे की हवा उसी वक्त निकल जाती है कि जब वो जहां भी गांव में जा रहे हैं तो वहां पे उनको लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, उनको 40 गाड़ियों का काफिला साथ लेके जाना पड़ रहा है वहां पे लोगों को इकट्ठा करने के लिए। उनके जो व्यक्ति जिस परिवार ने किसी क्षेत्र विशेष में 50 साल से अधिक राज किया, जो खुद कुलदीप बिश्नोई जी 24 साल से जहां पे राज कर रहे हैं, आज उनके पास उनके चुनावी क्षेत्र में लोग नहीं है उनके इलेक्शन कैंपेन के लिए, आम आदमी पार्टी के वर्कर्स के पास उनके फोन आते हैं कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, आपको मान सम्मान देंगे, आप हमारी पार्टी में आ जाइए, हमारा इलेक्शन कैंपेन, उनके पास इलेक्शन कैंपेन के लिए कोई भी कार्यकर्ता नहीं है, इलेक्शन कैंपेन के लिए बाहर से वो खुद 40 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं, तब जाके वहां पे इलेक्शन कैंपेन में उनको इलेक्शन कैंपेन कर पा रहे हैं। इसके साथ ही इससे पहले ये कहते थे कि भजनलाल के लड़के को दे दो वोट, इस भजनलाल का बच्चा हूं मैं रेणुका बिश्नोई जो है भजनलाल की बहू है, कुलदीप बिश्नोई बेटे हैं, भव्य बिश्नोई इनके बेटे हैं, जनता ने अब मन बना लिया है कि अब वो किसी के बच्चों को नहीं देंगे, वो अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे, ये आदमपुर के बच्चों के लिए वोट है, ये देशी बनाम विदेशी की लड़ाई है, शिक्षा के अधिकार की लड़ाई है ये। ठीक है चिल्लर साहब, फिर आता हूँ आपके पास। केवल ढिंगरा जी, आपने सुना अभी प्रोफेसर विधु रावल बता रहे थे कि भाई क्या कुछ दशा है, एक नंबर पहले से तय है, बाकी लोग पीछे के लिए लड़ रहे हैं,
स्थिति क्या है भाई? क्या आपको लग रहा है कि आपके उम्मीदवार इतने स्ट्रॉन्ग हैं, मुकाबला दे पा रहे हैं क्या? वरुण जी, आप रिजल्ट को चेक करना, ये चले गए 2014 से 19 पे, 2014 से 19 पे तो जाने की जरूरत नहीं है ना, 2019 से आगे चलने की जरूरत है। और 2019 से आगे चलते हुए दोनों सीटें हार गए और फिर कहते हैं हम 2014 में चलो पीछे। अब ये इनको पीछे चलने की आदत होगी और ये पीछे ही जा रहे हैं, इनकी चिंता ना करें आप, ये पीछे ही जाएंगे, आगे नहीं जा सकते। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि ये हारे हुए लोग हैं, ये हार के ही निकलेंगे। और मैं आपको एलानिया ये बात कहता हूं कि ये कह रहे थे अभी कि हम आएंगे फिर हम बैठेंगे फिर हम बात, ये तो बात करने से भी डरने लगेंगे जिस समय चुनाव का रिजल्ट आएगा। ये हमें कह रहे हैं चुनाव, और मैं आपको एलानिया कहता हूं, ये चुनाव से उसके बाद ये बात करने भी नहीं आएंगे, इन्हीं को ही बुलाना आप विदु रावल जी को और उस समय इनको मेरे साथ डिबेट करवाना जब ये हार के आएंगे। और ये बात कह रहे हैं अभी, और मैं इनको कह रहा हूं, फिर एलानिया ये बात कह रहा हूं, इन्होंने कहा कि तब क्या होगा, तो तब तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि इनकी हार निश्चित हो रही है। और ये केवल हरियाणा में नहीं हो रही है, ये पूरे देश में हो रही है, क्योंकि इन्होंने जातियों को धर्मों को चुनाव अभी हरियाणा में हुई एक सीट पर है, अभी पूरे देश में मत जाइए, हम धर्मों को जातियों को जोड़ रहे हैं, अभी पूरे देश में मत जाइए ढिंगरा साहब, जहां तक केवल ढिंगरा साहब केवल आलमपुर की बात करिए, जहां तक आप आम आदमी पार्टी की बात है, जहां तक दूसरी पार्टियों की बात है, ये सभी लोग जो है इन्हीं की एबीसी टीम में है, लेकिन हम फिर भी इनसे ऊपर जीत, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कांग्रेस का, ढिंगरा साहब ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ममता बनर्जी बीजेपी की बी टीम है, आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम, नहीं नहीं मैं बताता हूँ आपको, बंगाल में जब वो यही कहा गया ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, अब आप इनेलो को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, ममता बनर्जी हरियाणा में नहीं है, नहीं मैं तो सारे गिनवा रहा हूँ, आप लोग जो कहते हैं ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, मैं आप थोड़ा क्लैरिटी करना चाहता हूँ वरुण जी, क्योंकि हम दूसरे प्रदेशों में ना जाएं, आप ही देश का मुद्दा छेड़ा सर हमें, क्या हम तो आदमपुर के रहना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी, जेजेपी और इनेलो, ये अगर राज्यसभा का उम्मीदवार आता है कोई भी तो वोट कहाँ डालते हैं बता दीजिए मुझे। अरे वो तो आपका उम्मीदवार भी डालता है, माफ कीजिए आपका विधायक भी डालता है। आईएनएलडी की वोट कहाँ पड़ी थी आप मुझे बताइए, सभी डालते हैं। मैं जवाब ले लेता हूँ, उदयवीर राणा भाई आप बीजेपी की बी टीम है और राज्यसभा चुनाव में साबित हो गया, ठीक है उदयवीर जी एक मिनट आ रहा हूँ, प्रोफेसर साहब आ रहा हूँ, उदयवीर जी आप बीजेपी की बी टीम है, राज्यसभा चुनाव में साबित हुआ ऐसा है वरुण जी? देखो राज्यसभा चुनाव क्या था सबको पता है, देखिए हमने किसी के कैंडिडेट को वोट नहीं किया, हमने सिर्फ आजाद उम्मीदवार को वोट किया है, और ये समझेंगे डिंगरा साहब, और ये समझना जरूरी डिंगरा साहब आपके उम्मीदवार को फायदा क्यों पहुंचाएंगे? ठीक है बाकी मैं आपको बता देता हूँ, हम यहाँ बात वरुण जी देखिए मैं आपके माध्यम से बात करना चाहूंगा कि देखिए कांग्रेस अपने साथ भूल जाती है, दूसरों के ऊपर ताल में रह जाती है, इनका उम्मीदवार है आदमपुर से वो ही साफ साफ नहीं है, उसी ने खुद पार्टी के विरुद्ध जाके वोट डाली राज्यसभा में, और वो आपको याद होगा वो पेन बदलने वाला जो किया था इन्होंने, ये पेन बदलने में। अरे सर अब आप 2000 कब कहां जा रहे हैं, देखिए अब आप कौन से सन में जा रहे हैं, आदमपुर की बात करिए सर, आदमपुर की अगर हम बात करें और अगर हम बीजेपी के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि जो 2014 से बाद इलेक्शनों की बात करें तो मैं ये पूछना चाहूंगा तो वाला मेरा बीजेपी पूरी पार्टी से और उनके जो प्रोफेसर विदु रावल जी हैं इससे कि तीनों उपचुनावों में आपके पास अपना संगठन का कैंडिडेट नहीं था, तीनों में आपको कैंडिडेट मांग के लेके आना पड़ा, बड़ी हैरानी की बात है, आप खुद को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कैंडिडेट हैं और आपके पास उपचुनाव में जवाब देना चाह रहे, 8 साल में बीजेपी ने जो विकास कार्य कराए आदमपुर में कोई 8 कार्य बता दीजिए जो ये इन्होंने आदमपुर में कर रखे हैं, तब तो कांग्रेस का ना और 500 करोड़ की घोषणा कर देते हैं, मैं पूछता हूँ 500 करोड़ दे के कहा होंगे, अरे हरियाणा के ऊपर तो कर्ज है, कर्ज की अदायगी करने के लिए। प्रोफेसर विदु रावल जवाब देंगे, ठीक है प्रोफेसर विदु रावल की बारी है, जवाब दीजिए।
उदयवीर जी की बात का भी जवाब दूंगा। उदयवीर जी ने कहा कि भाई इनके पास उम्मीदवारों की बात कही उन्होंने, हम एक के बाद एक डिबेट में चल रहे थे और इंडियन नेशनल लोकदल के सम्मानित प्रवक्ता आकर बताते थे कि एक विशिष्ट प्रकार की रणनीति अभय सिंह चौटाला ने तैयार की हुई है और आपको 14 तारीख को हम बता देंगे। लेकिन हुआ क्या कि डेढ़ घंटा पहले इंडियन नेशनल लोकदल को ज्वाइन किया आपके उम्मीदवार पुरड़ा राम जी ने 12 बजे, लेकिन 10:30 बजे जनता टीवी के रिपोर्टर जो थे उनके सामने कैमरा लेकर खड़े थे और वो घोषणा कर रहे थे कि मुझे इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट मिल गई। यानी जिस व्यक्ति को इंडियन नेशनल लोकदल भी जिसने ज्वाइन नहीं किया था वो बिना ज्वाइन किए वो खुद घोषणा कर रहा है कि उसकी उम्मीदवारी हो गई। तो ऐसे तो आपकी हालत है। फिर भाई साहब बीच में मेरा बड़ा मन था, मुझे बड़ा मन था आपको टोकने का, लेकिन मैंने टोका नहीं। बात आपकी पूरी सुनी, मैंने पूरी सुनी, आप मेरी बात पूरी सुनने के बाद कुछ भी कहिएगा। चलिए तो इतना 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 तो आप ध्यान कीजिए, मतलब आप रुकिया किए जी। समय बड़ा कीमती है डिगरा साहब, आपके पास आ रहा हूँ, बोलिए राहुल साहब बोलिए, सीधा मुद्दे पर रहिए। चलिए तो मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि इनको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स तो कम से कम उठाने चाहिए। फिर इन्होंने एक बात और अच्छी बहुत अच्छी की, केवल ढिंगड़ा जी सुन रहे थे, केवल ढिंगड़ा जी की बात, ये बोले जी 2014 में चले गए, ये तो केवल पीछे जाते हैं, 2019 को पीछे नहीं मानते, 2014 को पीछे मानते हैं। अब ये अपने हिसाब से जो परिभाषाएं गढ़ते हैं ना अपने कन्वीनियंस को सूट करने के लिए, जो आप नए नए जो है नैरेटिव्स खड़े करने लगते हैं ना, यह गड़बड़ हो जाती है। अच्छा जो आपने 2019 से भी लेना, 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के बाद भी जहां भी प्रदर्शन किया है ऐतिहासिक किया है। हम हर जगह जहां भी चुनाव लड़ रहे हैं हमें पहले से पिछले चुनाव से अधिक वोट मिल रहा है हर चुनाव। आप चुनाव उठा कर देखिए ना, लेकिन आप कमाल, आप कभी किसी कोई कोना पकड़ लेते हैं, कभी कोई जहां से सूट करता है, इस तरह नहीं चलती भाई सब बात। मैं तो एक बात आपसे कह रहा हूं और आप सभी भाइयों से कह रहा हूं कि आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा ऐसी विसंगति हो गई कि भाई शायद आपकी कोई स्थिति ठीक है, तो आप कुछ टेक पर लगाइए ना, ताकि दर्शक भी माने कि आप जो कह रहे हैं इसको खुद मानते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको उम्मीदवार जीत जाएगा, अगर वो हार गया तो क्या आप मेरी बात को स्वीकार करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हरियाणा में प्रचंड लहर चल रही है, ये मैं दावा कर रहा हूँ। बीजेपी की प्रचंड लहर ये है कि ये गढ़ कुलदीप बिश्नोई का है जिसपे ताल ये ठोक रहे हैं, और गढ़ ना बीजेपी का रहने वाला है, ना कांग्रेस का रहने वाला है, ना कुलदीप बिश्नोई का है। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ गढ़ तोड़ने का काम किया है, राजा रजवाड़ों की राजनीति को राजनीति का सफाया। आपके हिसाब से गढ़ टूट चुका है क्या? बिल्कुल टूट चुका है, गढ़ टूट चुका है, और उसकी जो बौखलाहट है वो आप सभी ने देख सकते हैं, वो स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। और आप आदमपुर में जाके ग्राउंड रियलिटी में जाकर के एक बार देखिए, आदमपुर की ग्राउंड मोहम्मदपुर ढाणी के स्कूल को डीमर्ज करना, मोहम्मदपुर ढाणी के स्कूल को डीमर्ज करना इस बात का सबूत है कि आम आदमी पार्टी की ताकत को इन्होंने भाप लिया। अगर इन्होंने उसको बंद कर दिया था, मर्ज कर दिया था, तो डीमर्ज क्यों किया, क्यों फैसला वापस लिया? ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की ताकत और उसके सामने झुकने का संदेश है। और जल्दी 3 तारीख के इलेक्शन के बाद आपके सबके सामने होगा नतीजा, आप सबके सामने होगा इनका नतीजा। सबसे पहले सबसे तेज हम ही दिखाएंगे, चिंता कोई ना करे। और मुझे आज एक बात बड़ी अच्छी लगी ढींगरा साहब की, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उस दिन प्रोफेसर विधु रावल को मुझे चर्चा में रखना है, मुझे बात बहुत अच्छी लगी है। जी ढींगरा साहब, अब मैं इस मुद्दे पर आ रहा हूँ कि भाई देखिए मल्टी कॉर्नर फाइट हो रही है, अगर आम आदमी पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल है तो क्या कांग्रेस का वोट कटेगा क्या? देखिए इन्होंने एक ऐलान किया था, मैं इस बात के लिए इनको रखना चाह रहा हूँ,
इन्होंने एक उस दिन ऐलान किया था कि मुख्यमंत्री हुड्डा साहब या उदयपान जी रिजाइन देंगे, और मैंने इनको ये ऐलान किया था कि मुख्यमंत्री और वो रिजाइन देंगे क्या, और तो उस दिन मैं मुख्यमंत्री का और इनके धनखड़ साहब का रिजाइन चाहता हूं, मैं इसलिए इनको रखना चाहता हूं कि उस दिन जब ये हार के आएंगे चाहने से थोड़ी ना संसार मिल जाएगा, वो तो देखेंगे क्या बैठेगा। अच्छा वरुण जी, बड़ा दिलचस्प हो गया। अब ये चैलेंज का जवाब चैलेंज एक्सेप्ट करके नहीं देते, एक नया चैलेंज करके देते हैं। अगर आपको पहले इतनी तो हिम्मत रखिए, आप इतनी तो हिम्मत रखे क्या? अच्छा आप ये बता रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीआरपी से रिजाइन करेंगे क्या? कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी से रिजाइन करेंगे? आप बताइए ना, मैंने तो आपको सीधा सीधा चैलेंज दिया है, साहब आपने चैलेंज उस दिन दिया था ना, आपका चैलेंज की बात मैं आज भी कर रहा हूँ, भागने नहीं दूंगा मैं। एक एक करके आप मेरा चैलेंज स्वीकार करते हैं क्या? पहले ये बताइए, फिर उसके बाद आप मेरा चैलेंज बताइए। आप नहीं, मेरा क्या डिपेंडेंट क्यों चैलेंज? आपका चैलेंज डिपेंडेंट बताइए, एसटीसी ले बताइए, और ऊपर से डिंगरा साहब कह रहे हैं कि उस दिन प्रोफेसर दुरावल को बुला लो, मैं चर्चा हो पाएगी ऐसे? रुकिए ना सर, आप भागने मत दूंगा, मैं भागने तो दूंगा। अच्छा मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, डिंगरा साहब मेरा सवाल रह जाएगा। डिंगरा साहब अरे आप व्यक्तिगत चैलेंज कर लीजिएगा, डिंगरा साहब मेरा सवाल कुछ और। एक मिनट रुक जाइए, डिंगरा साहब सर आपको पता है मेरी चर्चा में समय थोड़ा कम रहता है। वरुण जी आपकी बात, एक मिनट अरे सर रुक जाइए ना, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। वरुण जी अगर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं तो करें आज। अरे रुकिए ना सर, चर्चा चैलेंज हो जाएगा। वरुण जी बड़ी मात्रा आज ये कर रहे हैं केवल, और मेरे पास उस दिन की डिबेट भी पड़ी है, आज वाली भी मैं रख लूंगा। अच्छा बोले मुझसे, हां जी सर, चर्चा देखिए काम नहीं कर रहे। अच्छा वरुण जी ये आज मेरे मुझे बात कर रहे हैं, सुन लेते हैं, मैं आज सुन लेते हैं, आज केवल ये सुनिए, करें चैलेंज केवल ये सुन तो लीजिए भाई साहब, ऐसे थोड़ी चलता है कि दूसरे को चैलेंज करने से पहले। अच्छा डिंगरा जी रावल जी को रखिए, मुझे आज भी इसी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं केवल जी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ भाई साहब, केवल जी एक बात ईमानदारी से बताइए, आपकी जमानत बच रही है ना? आप पूरा आश्वस्त है ना वरुण जी? ये भाग रहे हैं, आपकी जमानत बच रही है क्या? अगर आपकी जमानत ना बची, अगर कांग्रेस की जमानत ना बची, तो आप इसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार मानेंगे कि बढ़ पा रही है? रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, ठीक है सर, हो गया 5-6 मिनट कृषि पर हो गए, दोनों रुक जाइए। धनखड़ साहब की, अच्छा रुक जाइए, अरे सर 6 तारीख नतीजा तो आने दीजिए। अरे सर ढींगरा साहब जो लाइन आप बोल रहे हो 6 तारीख को बोलिएगा, अभी तो रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। अब मेरे सर माना करिए ना, चर्चा इधर से उधर जा रही है, 5-7 मिनट हो गए, प्लीज ढींगरा साहब मैं आगे बढ़ जाऊँ क्या? मेरा सवाल तो सुन लीजिए, ठीक है हो गया आपके सर, अभी तो रोज चर्चा करेंगे ना, किसी दिन कर लेंगे चैलेंज, अभी मुद्दे पर मेरा सवाल सुनिए। जब ये मल्टी कॉर्नर फाइट है, उसमें कांग्रेस को नुकसान हो रहा है क्या? छोड़ दिया इन्होंने चैलेंज। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताइए, इनेलो और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार लड़ने से कांग्रेस के वोट कटेंगे क्या? मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, ये ए और बी टीम है, ये काटने के लिए ही आए, कांग्रेस की वोट काटने के लिए ए और बी टीम आई है, लेकिन ये हारेंगे, ये बता रहा हूँ, सभी के ऊपर जयप्रकाश जी निकलेंगे, वोट कटेगा तो नहीं ना, और एंड ब्लॉक वोट पड़ेगी, ये भी बता रहा हूँ, एंड ब्लॉक वोट पड़ेगी जयप्रकाश जी और जीतने वाले कैंडिडेट। ठीक है अब, ठीक है दोनों रुक जाइए, दोनों उदयवीर राणा जी एक जवाब दीजिए, वोट काट रहे हैं आप, वोट काटने की स्थिति में है बस? जी ऐसा है वरुण गोयल जी, वोट काटने की स्थिति में वो होता है जिस तक कम वोट होती है या जिसके पास वोट मिलती नहीं होता। आप समझदार व्यक्ति हो और ये जनता भी समझदार है कि वोट वाला कैंडिडेट जिसके पास वोट है वो सिर्फ कुदाराम जी एनएलडीए कैंडिडेट है। आप ये समझिए बात को, ये 36 बिरादरी के कैंडिडेट है, पंचायती कैंडिडेट है, 7 गांव की पंचायत हुई तो वो कैंडिडेट डिक्लेयर हुए, और जो वो कैंडिडेट डिक्लेयर हुए थे तो पंचायत ने कहा था कि भी कोई और उम्मीदवार अगर आना चाहे लड़ना चाहे तो सब भारत समझ जो गांव है उसमें 11,000 वोट है, 11,000 वोट इतना बड़ा गांव, और इतना बड़ा गांव अगर एक कैंडिडेट को बैकअप करता है तो आप ये समझ सकते हैं वोट कौन किसके काट रहा है। और अब हम बात करें कि कांग्रेस और बीजेपी की, तो आप इन्हें हेयर की टाइम बर्बाद करते हैं, अपना भी और जनता का भी। नहीं सर ऐसा तो ना कहें, कम से कम नहीं मुझे तो सबको मौका देना है ना। अभी आप बिश्नोई जी के आपने भाषण देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे, तो वहां पे देखो बड़ी दुख होता है बीजेपी के केंद्रीय बीजेपी के वर्कर्स को देखे जो साइड में दिखा रखते हैं, तो साइड में क्योंकि उनको वहां पर जनाभा ठीक है। हम समझिए जब बिश्नोई साहब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस के पास वोट आती थी, अब वो बीजेपी में है तो
किराए के कैंडिडेट, चलिए ठीक है, पार्टी बदल रही है, आप समझिए इस बात। सर सर समय समय थोड़ा कम है राणा जी, मैं माफी चाहता हूँ, देखती 30-30 सेकंड है बस मेरे पास। छिल्लर साहब मुझे बता दीजिए, आप वोट काटने के लिए गए हैं वहाँ? देखिए हमारा अपना वोट बैंक है, हम अपनी राजनीति करते हैं, हमारी अपनी विचारधारा है, उस विचारधारा का वोट है, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, सब ये मुकाबले से बाहर है। जनता ने 70 साल में इनको देख लिया है, कांग्रेस को, बीजेपी को, इनेलो को, इससे पहले नहीं की सरकार है ये, अगर चुनाव में जा रहे हैं तो ये बताइए चुनाव में किस मुद्दे के साथ जा रहे हैं। ठीक है ना, 30-30 सेकंड है बस, 30-30 सेकंड है। डिंगरा साहब 30 सेकंड से ज्यादा मत लीजिएगा। देखिए देखिए छिल्लर साहब, एसवाईएल के पानी पे भगवान मान जी को बताइए कि वो वहां पे नहर खुदवाए, हमारे हरियाणा का पानी है, हरियाणा को चाहिए, भाग गए वो, अभी परसों की बात है, वो भाग गए भगवंत मान जी, इसका मतलब केजरीवाल भाग गए, केजरीवाल भाग गए हरियाणा के लिए। विदुर रावल 30 सेकंड में चर्चा खत्म करनी है, 30 सेकंड का विदुर रावल के है, रुक जाइए, रुक जाइए, आपकी बात नहीं करनी है, दोनों रुकिए, दोनों रुकिए, मैंने ईमानदारी से 30 सेकंड दिए थे, ठीक है, रुक जाइए, रुकिए रुकिए, डिंगरा साहब रुक जाइए, डिंगरा साहब ठीक है, आप बोलिए, पकड़ो विदुर रावल, आप बोलिए, 30 सेकंड है मेरे पास, प्रोफेसर विदुर रावल इनके इनेलो का 30 सेकंड मुझे दे दीजिएगा। अच्छा पहली बात तो यह है, तीनों का प्रयास करता हूं मैं बात बताने का। इंडियन नेशनल लोकदल के 1994 वोट आए थे पीछे, इनकी तो 2000 वोट इस बार लेने की जिद है, 2000 आ जाए या ना जाए इनका तो चुनाव इतना ही है। कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं, जो कि साल के अंदर इन्होंने जयप्रकाश जी को 13 साल बाद उतारा है, 13 साल पहले 2009 में जो चुनाव लड़े थे तब के टेंट और बैनर वाले इस बार अपने बिल पुराने लेकर घूम रहे हैं, कह रहे हैं वो पिलरों बिल तो दे दे। और आम आदमी पार्टी जिसके पास नोटा से भी कम वोट आता है, नोटा को वोट मिलता है 0.53% और आम आदमी पार्टी को वोट मिलता है 0.48%। ये कह रहे हैं कि हमारा वोट बैंक है, मैं बड़ा हैरान हुआ, कितने बड़े बड़े आसमानी दावे वरुण जी आप करेंगे। सर मैं माफी चाहता हूँ, 30 सेकंड क्रॉस और मेरे पास समय इतना ही था, लेकिन आदमपुर का दंगल जारी रहेगा, चर्चा करते रहेंगे, रोज मिलते रहेंगे और समझेंगे कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। फिलहाल आप देख रहे थे आदमपुर का दंगल, जिसमें समझने की कोशिश थी कि चुनाव इतना दिलचस्प होता जा रहा है। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।